अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शम्स मकसूद की बैठक में आपको खुश आमदीद। और जनाब मैं हूं आपका दोस्त शम्स मकसूद, और हमेशा जो है वो अच्छी और ज़बरदस्त किस्म की वीडियोस आपके सामने लेके आता हूं, और आज भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वीडियो आपके सामने लेके आ रहा हूं। तो जनाब जो है वो आज की वीडियो होगी जनाब हमारी जो है उर्दू बाजार के अंदर आपको होलसेल रेट पर जो है वो रजिस्टर्स कहाँ से मिलेंगे, कौन कौन से रजिस्टर्स होंगे, ये सारी चीज़ें जो है वो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों इस वक्त जो है वो मैं उर्दू बाज़ार लाहौर के अंदर जो है वो श्वेब पेपर प्रोडक्ट्स पर मौजूद हूँ, और मेरे पास साथ जो है वो श्वेब भाई जो है वो मेरे साथ मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो श्वेब भाई, आज आप जो है वो हमें किस बारे में हमारे नाज़रीन को जो है वो ओवरव्यू देंगे? शम्स भाई, आज इंशाल्लाह हम आपको रजिस्टर की तमाम वैरायटी के हवाले से आगाह करेंगे। रजिस्टर में जिसमें ये रिंग वाला रजिस्टर आ जाता है नीट में, और उसके बाद नीट में आम रजिस्टर आ जाते हैं जो कि 50 रुपीज़ से लेके 350 रुपीज़ की सेल तक के हैं, और उसके बाद फिर रफ रजिस्टर और गत्ते वाला रजिस्टर, येलो पेजेस वाला। तो नाज़रीन ये जो है वो आज की वीडियो में हम आपको जो है वो ये रजिस्टर्स पर जो है वो ओवरव्यू देंगे। A few moments later. जी श्वेब भाई, सबसे पहले कौन सा रजिस्टर जो है वो हमारे नाज़रीन को आप दिखाएंगे? जी शम्स भाई, कॉपी की तरह रजिस्टर की भी मेरे पास तमाम वैरायटी मौजूद है। रजिस्टर जो है वो 50 रुपीज़ सेल से लेके तकरीबन कोई 400 रुपीज़ सेल तक अवेलेबल है मेरे पास। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि ये 50 रुपये सेल वाला पेपर, 50 रुपये सेल वाला रजिस्टर है। कार्ड भी इसका अच्छा लगा हुआ है, पेपर भी इसको दी बेस्ट लगा हुआ है, क्वालिटी आप देख सकते हैं, 63 ग्राम्स का बेहतरीन कंपनी का पेपर लगा हुआ है, और ये 50 रुपीज़ सेल में है। और इसका कोई अंदाजन क्या रेट है जी इस वक्त होलसेल रेट मार्केट में? सर ये इसका ना मिनिमम 420 होता है और मैक्सिमम जो है ये 480 तक जाता है। जी नेक्स्ट, अब कौन सी सेल में रजिस्टर आपके पास अवेलेबल है जी? जी शम्स भाई, 100 रुपीज़ सेल वाला रजिस्टर है। ये रजिस्टर है, इसके ऊपर 200 प्रिंट होता है, AR 200, और ये 100 रुपये की सेल में है। अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो ये 960 रुपये दर्जन भी होता है, ये 900 रुपये दर्जन भी चलता है, और 850 रुपये दर्जन भी चलता है। और ये 15-24 साइज के सारे रजिस्टर हैं मेरे पास। ये वाला जो रजिस्टर है 13.5 शीट का रजिस्टर है, उर्दू 4 लाइन खाना तंग लाइन मिक्स ऑल अवेलेबल है इसमें। जी नेक्स्ट जो है वो कौन सा रजिस्टर आपके पास है जी? ये सर 150 रुपीज़ सेल में आ जाएगा, इलाका वाइज 150 से अबव भी जा सकता है। ये अच्छी क्वालिटी का रजिस्टर 300 ग्राम वाइड बैक टाइटल के साथ है, और क्वालिटी देख लें आप, लेमिनेटेड है, और इसके अंदर भी जो है वो सारे मेल अवेलेबल हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी रजिस्टर्स हैं उन सब में उर्दू नैरो लाइन और मिक्स रजिस्टर अवेलेबल है। इवन के हमारे पास नैरो और ब्रॉड लाइन के रजिस्टर्स भी अवेलेबल हैं। अच्छा जी श्वेब भाई, अब नेक्स्ट जो है वो कौन से साइज का और कौन कौन से मेल है उसके अंदर, ये रजिस्टर के हवाले से बताइएगा। सर अल्हम्दुलिल्लाह वैरायटी तो हमारे पास बहुत ज्यादा है, वैरायटी तो ना खत्म होने वाली वैरायटी है। ये अब रजिस्टर आ गया है 200 रुपीज़ सेल में, ये 300 इसके ऊपर प्रिंट है, और 200 रुपीज़ सेल है इसकी। इसका भी सेम 300 ग्राम का टाइटल लगा हुआ है, लेमिनेटेड टाइटल है, और 30 शीट्स का ये रजिस्टर है। और इसके बाद ये आ जाता है फिर 250 या 250 प्लस में रजिस्टर आ जाता है, 350 इसके ऊपर नंबर प्रिंट है, ये देख सकते हैं आप, और ये गम बाइंड वाला रजिस्टर बना हुआ है, नहायत उम्दा अच्छे पेपर में है। अच्छा
शम साहब मैं आपको एक बात बताता चलूं, मैंने कभी भी अपनी अगर मेरे रजिस्टर की क्वालिटी बेहतर है, पेपर की क्वालिटी बेहतर है, तो मैंने झूठ बोल के कभी नहीं ये कहा कि ये 68 ग्राम का है या 68 ग्राम प्लस है। अब इस पेपर को अगर कोई भी जांचने की कोशिश करे तो यही कहेगा 68 ग्राम का पेपर लगा हुआ है, लेकिन मैं जो चीज़ इसमें देखता हूँ वो देखता हूँ अच्छी कंपनी का माल और जिसपे इंक स्प्रेड ना हो, वाइट शेड हो, ताकि हमारे पेपर रजिस्टर की कोई किसी किस्म की कंप्लेंट ना आए। हमारे किसी भी प्रोडक्ट पे अल्हम्दुलिल्लाह इंक नहीं फैलती सिवाय वो रफ रजिस्टर जो येलो पेपर में बनाए जाते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज जो है वो और बताइएगा, एक तो आप जो पेपर यूज करते हैं वो कौन कौन सी जो है वो मिल्स का इस्तेमाल करते हैं, और थोड़ा सा रेट के हवाले से भी इनका जरा आइडिया दे दें इन दोनों रजिस्टर्स का। शम्स भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मिल्स हैं और बड़ी बड़ी क्वालिटी का पेपर बनाती हैं, जैसा कि ये देखें ये पेपर लगा हुआ है, तो हम पाकिस्तानी पेपर ही यूज़ करते हैं। जो इम्पोर्टेड पेपर है या ऑफसेट पेपर है वो हमारी चंद एक प्रोडक्ट में तो इस्तेमाल होता है, लेकिन हम वो ऑर्डर पर इस्तेमाल करते हैं, ऑर्डर पर उनके रजिस्टर बनाए जाते हैं, जैसे आईके हो गया, जैसे ऑफसेट पेपर हो गया, उसमें फिर बुल्ले शाह का भी होता है, सेंचुरी पैकेजेस वगैरह, और इसके अलावा जो है वो आईके का भी इस्तेमाल किया जाता है, 70 ग्राम का, 80 ग्राम का। रेट बताइएगा। शम्स भाई 250 प्लस में ये रजिस्टर है, 250 प्लस की ये सेल है इस रजिस्टर की, और अगर इसका मार्केट रेट देखा जाए तो ये तकरीबन 230-240 रुपीस तक का होता है। हमारे पास ये 200 से नीचे ही मिलेगा आपको। और जो 350 वाला, वो 350 सेल में भी जो है वो यही रजिस्टर जाता है, जैसा कि रावलपिंडी का इलाका है या इस्लामाबाद का इलाका है, इस तरह के एरिया वाइज जो हैं इनकी प्राइसेस उस हिसाब से होती हैं। भाई अभी नेक्स्ट जो है वो कौन सी रेंज है आपके पास रजिस्टर्स की? शम्स भाई कार्ड वाले रजिस्टर जो हैं, स्लाई वाले, गम वाले, पिन वाले, वो तो मैंने दिखा दिए आपको, साइज उसका मैंने बता दिया, वो 15-24 साइज में होता है। 15-24 साइज में अब एक ये रिंग वाले भी हैं, इसमें मेरे पास तीन तरह के होते हैं, उर्दू और तंग लाइनों में। एक 100 रुपये सेल वाला है, एक 150 रुपये सेल वाला है, और फिर उसके बाद 200 या 200 प्लस सेल वाला है। मैं आपको 200 प्लस सेल वाला दिखा देता हूँ। ये रजिस्टर है, इसके ऊपर 300 प्रिंट है और ये 25 शीट का रजिस्टर यानी 100 पेजेस है इसमें। और इसमें भी कौन कौन सा मेल होता है रिंग रजिस्टर में? इसमें यूजुअली जो है उर्दू और तंग लाइन ही इस्तेमाल होते हैं, लेकिन कुछ लोग डिमांड करते हैं इसमें मिक्स के भी, लेकिन मैंने अभी तक देखा नहीं कि मिक्स में भी रजिस्टर तैयार किया गया हो। लेकिन एक चीज बताएं कि ऑर्डर पर हम हर तरह के रजिस्टर तैयार कर देते हैं। अभी नेक्स्ट जो है वो कौन से रजिस्टर्स की रेंज है जरा बताइएगा जी हमारे नाजरीन को। शम्स भाई रिंग वाले रजिस्टर के बाद गत्ते वाले रजिस्टर आ जाते हैं, 7x11 साइज में मेरे पास तीन तरह के गत्ते वाले रजिस्टर। गत्ते वाले रजिस्टर में सिर्फ उर्दू और तंग लाइन ही इस्तेमाल होता है। इसमें ये देखें बॉर्डर लगा हुआ है गत्ते वाले रजिस्टर में, और ये इसे अस्तर कहते हैं, जो साइड पर एक पेज मजबूती के लिए लगाया जाता है। मजबूत गत्ते की जिल्द, अच्छे वाला गत्ता लगाया हुआ है हमने। और ये इसमें सेल अगर मैं बताऊँ आपको तो ये 200 रुपये सेल वाले, 250 रुपये सेल वाले, और 300 और 350 रुपये सेल वाले रजिस्टर अवेलेबल है। तीन तरह के रजिस्टर हैं इसमें, 200 और 250 और 300 रुपये की सेल में, जो कि 300 प्लस सेल में भी जाता है। ये आप रिटेल का रेट बता रहे हैं? रिटेल का रेट बता रहे हैं। होलसेल में जो है वो ये हमारे नाजरीन को कितने का मिलेगा ये? सर ये तकरीबन कोई है ना 50 से 60 रुपीज लेस रेट पर इनको अवेलेबल होगा जी। नेक्स्ट जो है वो कौन से रजिस्टर की रेंज आप दिखा रहे हैं जी हमें? शम्स भाई ये चार तरह के रजिस्टर हैं रफ रजिस्टर में। रफ येलो पेज वाला रजिस्टर है, अल्हम्दुलिल्लाह श्वेब पेपर प्रोडक्ट एक ऐसा अदारा है जो अगर रफ रजिस्टर का पेपर अवेलेबल ना भी हो तो भी उसमें दूसरी वैरायटीज वगैरह जो है वो लेकर आते रहे हैं, और एक दो दफा ये शॉर्ट भी हुए हैं रजिस्टर मार्केट में, पेपर शॉर्ट भी हुआ है येलो वाला, तो हमने उसकी जगह पर वाइट और सस्ता पेज वाला रजिस्टर जो है वो लेकर आए हैं। तो इसमें सबसे पहले तो ये 100 रुपये सेल वाला रजिस्टर आ जाता है, 100 रुपये सेल के बाद फिर ये आ जाता है 200 रुपये सेल वाला रजिस्टर, 200 रुपये सेल वाले के बाद आ जाता है 250 रुपये सेल वाले, और फिर ये फिर 300 रुपये सेल वाला या 300 प्लस सेल वाला रजिस्टर आ जाता है। गम बाइंड वाले सारे रजिस्टर हैं, गम बाइंड होंगे या स्लाई वाले रजिस्टर होंगे। रेट के हवाले से थोड़ा सा आइडिया दे दें।
रेट जो है इनके भी ऐसे ही पेपर की अवेलेबिलिटी के साथ अप डाउन होते रहते हैं। वैसे जो 100 रुपये सेल वाला रजिस्टर होता है वो 900 रुपये दर्जन होगा, उसके बाद जो 200 रुपये सेल वाला रजिस्टर है वो पर पीस 145 रुपये का कास्ट करता है। 250 रुपये सेल वाला जो रजिस्टर है 55 शीट का रजिस्टर है, ये 200 रुपीज़ का है। उसके बाद फिर जो 300 प्लस सेल वाला रजिस्टर है वो ये है 280 रुपीज़ वाला। दोस्तों ये थी जो है वो आज की हमारी वीडियो जो है वो रजिस्टर्स के ऊपर, और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा आपकी खिदमत में एक नई वीडियो लेके हाजिर होंगे। तब तक आप हमें इजाजत दीजिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।